क्या 8bit थग ने लोगों का 200 करोड़ स्कैम करा और उस एजेंडे को गोल्डीबाई ने कैसे क्लियर करा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिलेंगी। आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट निकल कर आ रही है SATOL की तरफ से। तो SATOL ने बैक टू बैक जीत लिया ई-स्पोर्ट्स कंटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड एंड इस चीज पे हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले, काफी सारे मेंशन देखने को मिले और गॉर्डन की तरफ से भी काफी सारा प्यार देखने को मिला। तो ट्रॉफी लेने जाते हैं मोर्टल, तो मोर्टल वहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आप लोग, ये क्लिप देखिए। जी की मेरी फ्लाइट है और हियर इट इज, यो यो ला रहा हूं गाइस, का मजा आ गया। इट वाज एन अमेजिंग डे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वोट्स। आप लोगों ने जितने वोट किए आगे भी करते रहे ना, हम लोग हैट्रिक मारने का इसका भी समझे। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था बैकी लिंच, जो लोग WWE फॉलो करते हैं उनको पता होगा बैकी लिंच ने मेरे को प्रेजेंट किया इस अवार्ड के साथ। मजा आ गया यार मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, मैंने ऊपर देखा ये देखी देखी लग रही है, उसने हैट और वो चश्मा पहना था ना तो थोड़ा सा अलग लग रहा था, फिर मैंने देखा फिर ये तो बैकी लिंच ही है। इसके साथ ही साथ जब गोल्डी बाय लाइव होते थे काफी लोग पूछ रहे थे कि सोन में हमें न्यू ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ काफी लोग उनसे चैट में बोल रहे थे कि नई वैलोरेंट की लाइनअप साइन करवा लो। तो इन सब चीजों पे वो क्या बोलते हैं आप लोग, ये क्लिप देखिए। बाप बन के बैठे हुए दे आर, उसमें कुछ लोग अपने अपने टिप्पणी कर रहे हैं। सो पहली बात यार, स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने के बाद ये चीज आ रही है, तो पहली बात थैंक यू जिन लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हम लोग काबिलियत रखते हैं वैलोरेंट के लिए कुछ करने का, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज टीम बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं और कल को वही लोग हमें गाली देंगे जो हमारी टीम भी एक्सेलरेट कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। तो सो या, इसीलिए मैं उम्मीद ही रखता हूँ कि ये चीज़ पे ज़्यादा आप लोग ध्यान ना दें, वी आर नॉट कमिंग टू वैलोरेंट सीन एनी सून, है ना, क्योंकि इस अवार्ड से वैलोरेंट रहने ना रहने का कोई लेना देना नहीं। एंड हमारी वैलोरेंट टीम से भी बात हुई थी, जिस दिन वैलोरेंट के लिए हमको इंडिया में आना होगा will be the first ones to come and some people were, एक दो लोग ऐसे थे जो कर रहे थे कि invest नहीं कर रहे ecosystem में, e-sports ecosystem में। तो investment एक अच्छी चीज़, बुरी चीज़ नहीं है, smart investment एक अच्छी चीज़ है। जितना invest हमने शायद ecosystem में किया है smart investment, उतना बहुत कम लोगों ने किया है। बाकी विरासत का पैसा या bank का पैसा या investors का पैसा लगाने में हमें कोई interest नहीं है। So we are very proud of what we are doing, what we have built so far. And with all the goodness comes a lot of critics too. And इसीलिए मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ, don't fall into this trap. इस बार action reaction को, action के against reaction कम देने को. New seasons, I can't right now. जब तक पेपर साइन नहीं होते गाइस आप लोगों को पता हम कुछ हिंटी का। एंड इसके बाद हम बात करेंगे क्लिप के ऊपर जो काफी सारे लोगों को सस लग रही थी और हैकिंग भी लग रही थी। तो उसका आज POV आ चुका है, आप लोग ये क्लिप देखिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुंबई से जल्दी आओ। एक बंदा लेफ्ट पर जाना, एक बंदा मेरे पे आओ, इसके बाद न्यूज निकल कर आ रही है 8bit थग की तरफ से। तो अभी ट्विटर पे एक एजेंडा चल रहा है कि 8bit थग ने लोगों का 200 करोड़ स्कैम करा है। तो उस चीज पे जब गोल्डी बाय लाइव आते तो उस चीज को क्लेरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आप लोग, ये क्लिप देखिए। उनके पास ओवरस्टाफ था अबाउट फॉर व्हाट दे आर डूइंग, आवर पार्टनरशिप विद लोको माइट बिगिन सून। एंड रही बात आने की, तो अगर हम या थग या कोई भी एक्सेलरेट अगर ऐसी इंटेंट रखते तो लोगों ना हमारी कभी शक्ल देखता ना कभी हम लोगों की शक्ल देखते। तो ये जो गंदी सोच के लोग हैं इनके नैरेटिव्स के चक्करों में ना पड़े, ना उनको रिप्लाई दे ना उनको भाव दे, क्योंकि भाव और रिप्लाई देने से क्या होता है उनकी इंगेजमेंट बढ़ती है और उनकी इंगेजमेंट बढ़ने से आप लोग वो जो एक्चुअली चाहते हैं वही होता है। सो बेटर है कि ऑल दीज ट्रोल्स, ऑल दीज इडियट्स, फेसलेस रास्कल्स, जस्ट कीप देम असाइड, ठीक है, ये नैरेटिव बिल्डर्स को कि थग ने वो कर दिया, पैसा खा लिया। अरे 200 करोड़ का अगर 10% भी हम लोग ले लेते, खा लेते ना लोगों का, तो मैं और पूछी तो अभी ब्राज़ील में शैक खोल के बैठा था जी। सच में बोल रहा हूँ, 20 करोड़ रुपये अगर आ जाते हैं, अगर मेरे पास 6-7 करोड़ रुपए आते तो मैं तो पूछी को लेके चल देता थाईलैंड या ब्राज़ील, क्यों वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल। तो नेक्स्ट अपडेट है BMPS के लैंड टूर्नामेंट की तरफ से। तो हमारे जो लैंड के लिए टीम क्वालिफायर्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। नंबर एक पर है TT स्पोर्ट्स, GS स्पोर्ट्स, ब्लाइंड स्पोर्ट्स और हाइड्रा स्पोर्ट्स। और भी जो टीम लैंड के लिए क्वालिफाई होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।